अवनीश ट्यूटोरियल चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहे होंगे, लेखपाल भर्ती PHOH धरना अपडेट टुडे। लेखपाल भर्ती PHOH कैंडिडेट जरूर देखें इस वीडियो को, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज धरना स्थल कुछ खास, ये आग्रह है आप सभी से कि यह वीडियो इसलिए आपके लिए है कि आज जो है विशेष अतिथि के रूप में, कहिए अतिथि नहीं है, आपके सहयोगी हैं राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतः जो है पधार रहे हैं और आंदोलन की रणनीति और मजबूत करेंगे। जैसा कि देखिए, सूचना पहले ही कल आ चुकी थी कि दिनांक 4 सितंबर 2024 को प्रातः 11 बजे राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार दिव्यांग महागठबंधन के पदाधिकारियों के साथ लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांगजनों की धरना स्थल इको गार्डन लखनऊ में शामिल होकर आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। भौदी आनंद तिवारी, प्रवक्ता दिव्यांग महागठबंधन प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी। तो सूचना पहले ही आ गई, ये मैंने आज की नहीं है, ये वीडियो सुबह इसलिए डाला जा रहा है कि जिससे जो भी दिव्यांग भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हों, अगर वो पहुंचने की स्थिति में हों तो 11 बजे तक लखनऊ इको गार्डन पहुंचे जरूर, ये आग्रह है। कामयाबी पाने के लिए तीन चीज़ें जरूरी होती हैं, सही समय, सही तरीका और सही सोच। तो ये तीनों ही इस समय मौजूद है, इसलिए आप पीछे न हटें। इसी में कल्याण छुपा हुआ है और आपको ये भी कहें कि जीत चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफ़ी है। जैसा कि सतीश जी, कृष्णा जी लगातार अपनी जिद पर अड़े हैं, तो निश्चित है कि उन्हें सफलता मिलेगी और उन्हीं के साथ आप सभी को सफलता मिलेगी, केवल उन्हीं को नहीं मिलेगी, आप सभी दिव्यांग भाई बहनों की जीत होगी, केवल एक कैटेगरी की नहीं, सभी की, क्योंकि सभी की लड़ाई है। और एक छोटी सी अपडेट आपको दिखा देते हैं कि जो कि राष्ट्रीय जो है दिव्यांग पार्टी के अध्यक्ष जी ने जब सुरेंद्र मैथानी जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिलवाया कि इनकी नियुक्ति की जाए, इनका न्याय हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि यदि इस पर कुछ नहीं हुआ तो हम महाआंदोलन की तैयारी करेंगे, और वह अवसर आज है कि आज खुद पहुंच रहे हैं। चलिए उनकी बात आपको सुना ही देते हैं, उन्होंने क्या कहा था। विधायक सुरेंद्र मैथानी जी के माध्यम से राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने आज यहाँ प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांग है कि दिव्यांगजनों के को नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी के लिए सामाजिक समानता कानून बने। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 लागू होना चाहिए। नौकरियों में रिजर्वेशन कोटा पूरा होना चाहिए। दूसरा, लेखपाल कुछ हमारे दिव्यांग साथी लेखपाल भर्ती में पास हुए हैं और पास होने के बाद उनको नौकरी नहीं दी गई, उनको जो है सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद नौकरी नहीं दी गई। वो इको गार्डन लखनऊ में लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए भी हमने माननीय विधायक जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया है और हमने ये अपेक्षा की है कि मुख्यमंत्री जी तक मामला इनके संज्ञान में ला करके और दिव्यांगजनों को न्याय दिलाया जाए। एक तो रिजर्वेशन कोटा नहीं पूरा हो रहा है, दूसरा जो लोग किन्हीं विभाग में अगर उनका उनकी नियुक्ति हो के लिए वो पास कर लेते हैं, पेपर दे लेते हैं, साक्षात्कार हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उनको ज्वाइन नहीं कराया जाता है। अधिकारियों की मनमानी चल रही है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, आखिर कब तक दिव्यांग सहेगा। ये दिव्यांग अब कानपुर में पूरे देश का दिव्यांग अब आंदोलित है और अगर सरकार नहीं सुनती है दिव्यांगजनों की आवाज़ को तो फिर आंदोलन एक अंतिम रास्ता होगा। अभी मुख्यमंत्री जी को आज विधायक सुरेंद्र मैथानी जी के माध्यम से ज्ञापन दिया। तो देखिए, अपनी बात पर अडिग हैं,
और इन्होंने अध्यक्ष जी ने जैसा कहा था वैसा ही कर रहे हैं। आज वह शुभ अवसर है कि आप सभी का सपोर्ट करने के लिए लखनऊ के इको गार्डन में आ रहे हैं, तो आप सभी का भी फर्ज बनता है कि आप इनका सत्कार करें, हौसला बढ़ाएं और अपनी जीत सुनिश्चित करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन आग्रह है कि आप पहुँचें ज़रूर लखनऊ इको गार्डन। ओके, थैंक यू।